टमाटर और ड्राई फ्रूट्स की चटनी बनाने के लिए हम ले रहे हैं टमाटर। जब भी आप टमाटर की चटनी बना रहे हो तो हमेशा ऐसे टमाटर का इस्तेमाल करिए जो थोड़े ज्यादा पके हुए हो, ज्यादा लाल हो। इससे टमाटर की चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसका जूस ज्यादा रिड्यूस होता है, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे। रफली चॉप कर रहे हैं मगर फिर भी हमें इसके बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले पीसेस काटने हैं। तो टमाटर में जो ये वाला पार्ट होता है, जो इसके डॉट्स होते हैं, उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे और उसके बाद इसके पतले पतले पीसेस काट लेंगे। तो टमाटर के सारे पीसेस को हमने यहाँ पे काट लिया है अच्छे से, बिल्कुल हमने पतले पतले पीसेस में से काटा है। उसे हम रखेंगे साइड में और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक काम पन्ना, इसे हम पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। तो इसे भी हमने रफली चॉप कर लिया है, ये रेडी है। इसी के साथ हम लेंगे थोड़े से डेट्स और इसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो सारी चीजों को यहाँ पे हमने काट लिया है, इसके साथ हम ले रहे हैं थोड़े से किशमिश भी। तो अब चलिए हम बनाते हैं हमारी ड्राई फ्रूट्स एंड टमाटर की चटनी। तो अब हम एक कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं लगभग एक बड़ा चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच पचफोरन के दाने और एक सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम इस तरह से तोड़ते हुए इसमें डाल देंगे। पचफोरन को हमें थोड़ा सा चटकने देना है। जैसे ही पचफोरन चटकने लगे हम इसमें डालेंगे जो टमाटर हमने पतले पतले स्लाइसेस में काटे थे उसे। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना होने लगे। तभी हम इसमें लगाएंगे ढक्कन और एक मिनट के लिए इसे हम बीच बीच में कलछी चलाते हुए भूनेंगे। तो टमाटर अब अच्छे से पकने स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट होने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और एक चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची हम इसमें इसका कलर थोड़ा और बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं और नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसे सिर्फ एक मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर की ये वाली चटनी बहुत जल्दी बन जाती है, इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब हम इसे टमाटर के गलने तक भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी एक चौथाई कप। मैं इसे थोड़ा कम मीठा बना रही हूँ इसलिए इसमें मैं चीनी थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं चटनी तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डालें। चीनी डालने से इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा, इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो हमें चीनी को अच्छे से पकाना है, इसे मेल्ट करना है। आप चाहें तो इसे इसमें चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ के एक टुकड़े को इसमें डाल दें और उसे मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएं। तो अब हम इसे चीनी के अच्छे से घुलने तक भूनेंगे। तो चीनी अब अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से पक चुका है और आप चटनी का कलर देख सकते हैं, इसका कलर कितना प्यारा आया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम इसे देंगे फिनिशिंग टच और इसमें हम डालेंगे जो आम पन्ना हमने काट कर रखा था, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चटनी के साथ। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से डेट्स जो हमने काटे थे, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से काजू। इस चटनी में आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो खाना उसे इसमें डाल सकते हैं। और इस चटनी की एक बहुत ख़ास बात है कि आप इसे चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, जैसे हम अचार वगैरह को रखते हैं वैसे। ये एक महीने तक ख़राब नहीं होती है और इसे आप किसी भी पराठे, गोभी का पराठा हो, आलू का पराठा हो या फिर कोई स्टफ कचौरी हो, उसके साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी चटनी है तैयार। अब चलिए हम करते हैं फ्लेम बंद और इसे करते हैं सर्व।